दोस्तों चाहे आज का मैच नहीं हार गई हो, लेकिन जब 42 पे 4 विकेट गिर जाते हैं उस टाइम भी आपके अंदर एक उम्मीद जगा के रखता है कि अभी बन सकते हैं, लास्ट 10 ओवर में 12-13 के औसत चाहिए। उस टाइम भी आपके अंदर उम्मीद रहती है, लास्ट 5 ओवर के अंदर 85 रन चाहिए, फिर भी आपकी उम्मीद रहती कि नहीं, धोनी है, रन बनेंगे। दोस्तों आप कह सकते हो कि धोनी का कंट्रीब्यूशन तो था ही नहीं इसके अंदर इतने रनों के अंदर। दोस्तों आप देखिए, हम क्रिकेटर इतने इसके वो जानकार नहीं है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन दोस्त आप भी सही हो सकते हो, लेकिन इतनी हम जो व्यूअर होते हैं नॉर्मली हम क्यों ब्लेम करते हैं, क्यों गालियाँ देते हैं, क्योंकि उसने हमारे अकॉर्डिंग मैच जिताया नहीं, या हमारे कोई भी रीज़न देते हैं कि पहले स्टार्ट कर देना चाहिए मारना। तो दोस्त एक तो वो रहता है कि पहले मारो और आउट होकर चले जाओ, और एक लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक आपको रन उस टाइम उम्मीद रहती है कि नहीं बन सकते हैं। लास्ट ओवर में 28-28 रन चाहिए थे, फिर भी उस टाइम उम्मीद थी कि नहीं, 4 छक्के लगेंगे, 1 चौका लगेगा, फिर आपको 4 बॉल में 17 रन, उस टाइम तो लग ही गया था कि नहीं, आज तो धमाका होगा। दोस्त ऐसे मोमेंट यार, आप हम करने को तो ब्लेम कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले स्टार्ट करते ये करता, लेकिन इंसान 2 दो रन ले रहा, 3-4 बार लगातार डिहाइड्रेट हो चुका है, आपका पेट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है कि हमें लास्ट तक जाना है, ट्राई करना है। तो दोस्त इससे बड़ी चीज़ क्या होगी, ये मैच है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो ये इंसिडेंट होते हैं, जो इवेंट होते हैं, जो ये मैच होते हैं, नेवर वाली होते हैं ना, इंसान के अंदर लाइफ कुछ खाती है कि यार आपकी कंडीशन कितनी ख़राब हो, 42 से 4 विकेट गिर चुके हैं, लास्ट 10 ओवर में 12-13 हो चाहिए है, लेकिन आप लास्ट तक जाते हो ना, लास्ट तक ट्राई करते हो, ऐसे नहीं कि पहले एक पूरी एनर्जी लगाई आउट होके चले गए, या पूरी एनर्जी लगाई आपने फिर ने गिव अप कर दिया। दोस्तों वो नहीं, उसमें ना तो आपकी कहानी में मज़ा आएगा ना आपको मज़ा आएगा, लेकिन यदि आप लास्ट तक ट्राई करते हो कि बेशक से मैं थोड़ा शुरू में स्लो हो जाऊं, लेकिन लास्ट तक मुझे जाना है, यदि वहां पर किस्मत बहुत ऐसे डिपेंड करते हैं यार, को मैं जीतेगा नहीं जीतेगा, वो तो यार आप भी इतना ब्लेम करते हैं अपन। यदि धोनी आता 4 रन बना के आउट, 5 या 5 रन बना के आउट हो जाता, और चेन्नई 87 रन पे या 100 रन पे ऑल आउट हो जाती, फिर कोई ब्लेम नहीं करता, क्योंकि एक तरफ हमें ऐसा हो जाता ना, लेकिन नहीं, जब जितनी ज़्यादा वो होती है इससे यार, और जितनी ज़्यादा आपका वो होता है मैच काटे का होता है, उतनी ज़्यादा उस टाइम पे यदि हारता है जीतता है, दोनों चीज़ जो आपकी प्रेज है, आपकी तारीफ, वो भी तो उसी लेवल की होती है, और जब उस टाइम आप हारते हो तो आपकी गालियाँ, आपको बदनामी उसी लेवल की होती है, लेकिन आपको पता है कि मैं गया तो श्री लास्ट तक, मैटर क्या करता है दोस्त लाइफ के अंदर, या ऐसे ही स्टार्टिंग में खेल के छोड़ दें, या लास्ट तक हमें ट्राई करना चाहिए, कोई भी चीज़ हम इस तरह खेलें कि सामने वाले की तो उम्मीद रहे ही, लेकिन हमें भी अंदर से लगे कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया यार, 5 ओवर में 85 सोच रहे हो, वो भी लास्ट ओवर में 4 बॉल के 17 रन पे चले जाता है और 7 रन चाह रही है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मतलब 7 ओवर में आपका 78 रन बन गए, 5 ओवर के अंदर 78, तो यार इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि एज ए व्यूअर हमें वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आप जो के जो पॉइंट है वो सच हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है दोस्त कि ये ऐसी इवेंट मेरे को तो बहुत सिखाती है लाइफ के अंदर दोस्त, कैसे आपको गिव अप नहीं करना है, कैसे आपको वो करनी है, जैसे एक राहुल त्रिवेदिया का इवेंट था कुछ दिन पहले, वो शायद किसी टीम का भी हो, लेकिन बंदे का शुरू में स्ट्राइक नहीं हो रहा था, उस टाइम वो गिव अप कर देता या छोड़ देता कि नहीं, मैं कुछ नहीं होगा, होगा नहीं, तो क्या वो रातों रात इतना फेमस वो होता। दोस्त ये चीज़ है, एक इवेंट आपकी लाइफ बदल सकती है, ऐसे ही आप जो एक मैच है वो आपकी वो करती है, आपको उस मैच को, एक मैच को फिनिश करने के लिए ऐसे बहुत सारे मैच को आपको वेट करना होगा दोस्त, धोनी है, भगवान थोड़ी है ना।
हम उसको प्रेज करते हैं उसके एटीट्यूड की तरफ से। ये नहीं कहते कि यार वही भगवान है जिताएगा तो सबसे अच्छा, और यदि उसकी वजह से नहीं जीत पाए, कुछ उस रन नहीं बन पाए लास्ट के अंदर, तो उसको हम ब्लेम करेंगे। नहीं नहीं दोस्त, हमने तो दोनों तरफ ही हम वो करते हैं कि आपका रन बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो और अच्छी बात, लेकिन मैच में जाना चाहिए। लेकिन वो आया शुरू के 10 ओवर तक इतना नहीं था, लेकिन लास्ट के 5-4 ओवर में जितना रोमांस था ना, वो हर बॉल का हम मैंने आज फील किया दोस्तों। इससे ज़्यादा मेरे को एज ए व्यूअर, एज ए फैन कि कुछ नहीं चाहिए यार। मुझे बहुत अच्छा लगा मैच देख के, आप कुछ भी हो सकते हैं। मैंने अपना व्यू डिसिस आपके साथ शेयर किया तो मुझे लगा कि मेरे के अंदर जो मेरी बातें हैं वो मुझे निकाल देनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया। ठीक है, तो आप जो क्या मानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका भी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग, पढ़ने में मुझे भी अच्छा लगेगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसे कभी मन किया तो बनाएंगे। तब तक बाय।